स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स YouTube चैनल पे, एकमात्र ऐसा YouTube चैनल जहां पे हम अनबॉक्सिंग और रिव्यूज के साथ साथ ये सीखते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाना भूलना मत। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स एप्पल वॉच के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इन टिप्स को आजमाइए। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा चलते हैं अपने एप्पल वॉच पे। तो जो सबसे पहला टिप है वो है फाइंड माई आईफोन। नीचे से स्वाइप कीजिए आपके एप्पल वॉच पे और इस आइकन पे क्लिक कीजिए। इसकी मदद से आपका आईफोन आप ढूंढ सकते हैं जहां कहीं भी आपके घर पे है इस पिंग की मदद से। जो दूसरा टिप है वो भी कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है। नीचे से स्वाइप कीजिए और चूज़ करिए ये ऑप्शन जो कि डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। इसको चूज़ करने पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन, ऑन फॉर 1 आवर, ऑन अनटिल इवनिंग या ऑन टिल आई लीव लोकेशन। तो इसकी मदद से आप एक्टिवेट कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब अपने एप्पल वॉच पे। तो जो अगला टिप है वो है स्क्रीनशॉट्स के बारे में। आप अपने एप्पल वॉच पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसके लिए आप जाइए एप्पल वॉच ऐप पे आपके आईफोन पे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए जनरल पे और नीचे स्क्रॉल कीजिए इस ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा गया है एनेबल स्क्रीनशॉट्स। इसको आप कर दीजिए एनेबल। तो अपने एप्पल वॉच पे स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा आपका डिजिटल क्राउन और साइड बटन एक साथ। तो आइए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये स्क्रीनशॉट अब जाके सेव हो जाएगा आपके फोटोज़ के ऐप में आपके आईफोन पे। क्या आप जानते हैं कि आप अपने एप्पल वॉच को एक फ्लैशलाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे से स्वाइप कीजिए अपने एप्पल वॉच को और ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो कि एक फ्लैशलाइट वाला ऑप्शन है। इसको प्रेस करने पे आप देख सकते हैं कि आपका एप्पल वॉच वाइट कलर में ग्लो करेगा और ये एक फ्लैशलाइट की तरह ग्लो करेगा। लेफ्ट स्वाइप करने पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक भी करता है और अलग अलग कलर्स में भी ये ब्लिंक करता है। तो अगले दो टिप हैं मैसेजेस से जुड़े हुए। आप चाहें तो अपने एप्पल वॉच से किसी को भी लोकेशन भेज सकते हैं। सिर्फ फोर्स टच कीजिए अपने एप्पल वॉच पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जो कि है सेंड लोकेशन। इसको आसानी से आप भेज सकते हैं। तो जो अगला टिप है वो है शॉर्टकट रिप्लाइज, जो कि आपको कई सारे शॉर्टकट रिप्लाइज मिल जाते हैं आपके एप्पल वॉच पे, जिसकी मदद से आप क्विक रिप्लाइज दे सकते हैं। लेकिन आप अपने खुद के रिप्लाइज भी क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्पल वॉच पे अपने आईफोन की मदद से। तो इसको ऐड करने के लिए जाइए आप एप्पल वॉच के ऐप में और उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए मैसेजेस पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है डिफ़ॉल्ट रिप्लाइज का। इसको आप करिए सेलेक्ट और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप एक डिफ़ॉल्ट रिप्लाई ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ, लिख देता हूँ VRP और कर देते हैं डन। तो अब हम वापस आ चुके हैं अपने एप्पल वॉच के मैसेजेस ऐप में और नीचे स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं कि जो क्विक रिप्लाई हमने ऐड किया था वो ये आ चुका है यहाँ पे। तो अगला टिप है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग है वो बोल्ड नहीं है। आप चाहें तो इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा आपको जाना पड़ेगा आपके आईफोन पे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले जाइए एप्पल वॉच के ऐप में और नीचे स्क्रॉल कीजिए और चूज़ कीजिए ये ऑप्शन जो कि है ब्राइटनेस एंड टेक्स्ट साइज़। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि है बोल्ड टेक्स्ट। इसको एनेबल करने पे आपको ऑप्शन दिखता है कि आपको आपके एप्पल वॉच को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगला टिप है मूवी मोड। मान लीजिए कि आप थिएटर में मूवी देख रहे हैं और आप बार बार अपने एप्पल वॉच को इस तरह से उठाते हैं तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है दूसरे लोगों के लिए। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप नीचे से स्वाइप कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए ये ऑप्शन जिसका नाम है मूवी मोड। इसकी मदद से आपका डिस्प्ले जो है वो सो जाएगा और आप जब भी अपने रिस्ट को ऊपर करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इस तरीके से टैप करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए या नोटिफिकेशन देखने के लिए। अगला टिप है ऐप लेआउट के बारे में।
अपने ऐप्स को एक्सेस करने के लिए आप डिजिटल क्राउन को इस तरह से प्रेस कीजिए और आप अपने सारे ऐप्स को देख सकते हैं इसमें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस कीजिए और आप चेंज कर सकते हैं अपने ऐप्स को ग्रिड व्यू से लिस्ट व्यू में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आपके ऐप्स जो हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। तो जो लास्ट टिप है वो है हैप्टिक फीडबैक के बारे में। इसके लिए आप जाइए एप्पल वॉच के ऐप में और नीचे स्क्रॉल कीजिए इस ऑप्शन पे जो कि है साउंड्स एंड हैप्टिक्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट हैप्टिक या वाइब्रेशन चाहिए या आपको प्रोमिनेंट वाइब्रेशन या हैप्टिक फीडबैक चाहिए। तो दोस्तों ये थे 10 टिप्स एप्पल वॉच के बारे में। इन टिप्स को आजमाइए और मुझे बताइएगा कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट्स हैं या सवाल हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या कुछ मज़ेदार चीज़ लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।